यूपी के बदायूं से सटे कोतवाली उजांदी क्षेत्रांगत गांव मानकपुर व जमरौली के पास एक सप्ताह पूर्व हुई लूट व हत्या का आज पुलिस ने पटाक्षेप कर चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा व नकदी बरामद की है। एक सप्ताह पूर्व रोड होल्ड अप और हत्या की घटना का आज पुलिस ने खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि वे गत दिनों गांव जमरौली निवासी आनंदपाल पुत्र गजराज कुंवरपाल उर्फ कपूरी पुत्र आनंदपाल व कृपाल अपनी बाइक संख्या से अपने गांव जमरौली जा रहे थे कि गांव रौली के पास पहले से घात लगाए बैठे गांव मानकपुर निवासी मुक्तादीर फिरोज व बाजार कला निवासी वैद्य प्रकाश और गांव अल्लापुर चमारी निवासी नन्हे ने अपने अन्य साथियों की मदद से नकदी आदि लूट कर घटना को अंजाम दिया था। देखिए 11 तारीख को सुबह 4 बजे मानिकपुर गांव से थोड़ा दूर लगभग आधे किलोमीटर दूर एक मक्के के खेत थे, दोनों तरफ बीच में एक सड़क हुई थी, वहां से मोटरसाइकिल से एक 3 लोग जा रहे थे और वहां पे कुछ लोग आ गए थे और उसे लूटपाट के जब लूटपाट का विरोध किया तो एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। आनंदपाल नाम का एक व्यक्ति था जो 60 साल का था, उसकी मौत हो गई थी और इसमें टीमों को लगाया गया था जिसमें से 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इनके कब्जे से लूटे हुए रुपए तथा हत्या में प्रयुक्त किया गया असलहे तथा अन्य भी अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। 2 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी का प्रयास है, टीमें लगी हुई हैं। मात्र 4 दिन में ही डकैती की घटना का अनावरण करने के लिए थाना पुलिस को और उनकी टीम को 15,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है।